तो सीता जी, अब जो मैंने बनाने वाला हूँ आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आपको चिली पनीर पसंद है, चिली मशरूम पसंद है, तो उसी हिसाब से, उसी को देखते हुए आपके फ्रिज में मुझे कई चीज़ें मिली। ग्रीन चिली सॉस मिला मुझे, आपका डार्क सोया मिला, चिली विनीगर मिला। काफ़ी चटपटा खाना पसंद है आपको, है? यस। और ये बहुत ही बढ़िया तिल का तेल भी मिला। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो आपके स्वाद के अनुसार है लेकिन काफी हेल्दी है, राइट? तो हम बनाएंगे आज चिली टोफू मशरूम और पाक चोय। थोड़ा ओरिएंटल है लेकिन उसमें हमारा देसी स्वाद भी है हल्का सा, ठीक है? और ये घर में बिल्कुल 5 मिनट में बन सकता है, सिर्फ 5 मिनट, हकीकत की बात है। चलो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हमें चाहिए आपके नॉर्मल बटन मशरूम्स, तो ये है, और फिर आप देखिए टोफू बीन कट जिसको बोला जाता है, काफी हाई इन प्रोटीन होता है, राइट? इसमें जिंजर के जूलियंस पड़ेंगे। जिंजर एक बहुत ही अच्छा स्वाद देता है ओरिएंटल खानों में, और मुझे लगता है आपको भी जिंजर बड़ा पसंद है, ठीक है? इसमें गार्लिक चॉप पड़ेगा, बिल्कुल आप देखिए महीन चॉप किया गया है गार्लिक। और जैसे हमने बताया डार्क सोया सॉस, सोया सॉस बहुत किस्म के हैं, एक डार्क होता है, एक लाइट जनरली देखा जाए, ठीक है? ग्रीन चिली सॉस काफी इस्तेमाल किया आपने, आधा खाली हो गया है। और इसमें है सफेद तिल, तिल का तेल, और ये चिली विनेगर हल्का चटपटापन लाने के लिए, ठीक है? और एक और सब्जी जो मैं आपको बताई नहीं है, पाक चोय है, और पाक चोय की सब्जी काफी अच्छी चाइनीज में इस्तेमाल होती है, थाई वाले में, ओरिएंटल खानों में काफी इस्तेमाल होता है, राइट? और थोड़े टमाटर। तो शुरू करें? यस, चलिए। ठीक है, आप घर में बनाती हैं कुछ चाइनीज टाइप कुछ बनाती हैं? बनाती हूँ और आपसे सीख रही हूँ, फिर बनाऊंगी। ये तो आपके यहाँ पे जो मिला उन्होंने बना दिया। तो तिल का तेल डालेंगे, तिल का तेल काफी हेल्दी होता है खाने के लिए, और बिल्कुल ज्यादा नहीं, बिल्कुल ही कम लेंगे। आप देखें थोड़ा सा स्मोक हो गया है तिल का तेल, और इसको हल्का सा धीमा करेंगे आंच। इसमें हम डालेंगे गार्लिक, ठीक है? बस उसको सॉटे करें। फिर इसके बाद हम डालेंगे हल्का सा जिंजर, जिंजर का फ्लेवर अच्छा आता है। आप देखें उसमें हल्के से तिल के सीड्स डालेंगे, ठीक है? तिल के सीड्स आपके हैं, तिल के सीड्स मैंने बाद में डाले हैं ताकि वो जले ना, ठीक है? हल्का सा तिल का फ्लेवर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे मशरूम, ठीक है? मशरूम्स हमने डाल दिए इसमें, और मशरूम में काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसलिए इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको नॉर्मली हम टॉस करेंगे इसमें, ठीक है? उसको सोटे होने दीजिए, जब तक मैं हल्का से पाक चोय काट देता हूँ। मैं काटू? हाँ काटिए। कैसा काटना बोली? चाकू देख लीजिए, थोड़ा खतरनाक है। कुछ नहीं होगा, मत चिंता करिए, जस्ट शो मी हाउ टू डू इट। चॉप कर लीजिए और देख लीजिए जैसे कितने बड़े बड़े पीस हैं, यू जस्ट शो मी दैट। खाने के लिए आसानी हो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसको ऐसे रख लीजिए, इसको ऐसे काट लीजिए, ऐसे कर, उंगली को बचा लीजिए, काट ही दीजिए, काट ही दूंगा, नहीं नहीं आप काट लो, क्योंकि फिर लगेगा आप ही ने बनाया है। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है? अब ये मशरूम जो सोटे हो रहे हैं, इस स्टेज में हम टमाटर डालेंगे क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर से पके, राइट? नेचुरल मॉइस्चर, नेचुरल मॉइस्चर से पके। तो इसको आप हल्का सा टॉस करें, मशरूम ज्यादा वक्त लगाता नहीं पकने में, तो यहाँ इसको आप देखें हल्का सा टॉस करते रहे, बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है, ठीक है? इस स्टेज में हम हल्का सा नमक डालेंगे। नमक भी क्या करता है, नमक मॉइस्चर खींच लेता है और अंदर उसका स्वाद चला जाता है। अब हम यहाँ पे एक मीडियम क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जो पाक चोय है, जो आपका जो ये टोफू है, उसमें लटपटापन लाए उसमें, ठीक है? तो अब हम इस स्टेज में आपका हल्का सा जो ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, ठीक है? तो हल्की सी बॉडी क्रिएट कर लेंगे, मैं डाल देता हूँ उसको, ठीक है? और इस स्टेज पे हम हल्का सा एक डार्क सोया भी डालेंगे। तो ये चाइनीज प्रिपरेशन, मतलब ये आपका प्रिपरेशन है जी, ये आपके किचन का स्टाइल है, ठीक है? ठीक, कुछ और होता वो भी मिला देता मैं। अच्छा, ये आपका प्रिपरेशन है। चलो ठीक है, ऐसी बात कह रहा हूँ।
अब देखिए हल्की सी बॉडी बन रही है इसमें, हाँ। हल्का सा टेक्सचर बन रहा है, हल्का सा ग्लेज हो रहा है बराबर तरीके से, ठीक है। अब इसमें हम मिलाएंगे आपका बीन कट टोफू जिसको बोला जाता है, ठीक है। कैसा लग रहा आपको भी? बहुत ही अच्छा लग रहा है। It's a complete food, I believe. Complete food, protein भी है, इसमें minerals भी हैं, इसमें vitamins भी हैं बराबर। और देखिए इस stage पे बहुत बढ़िया बन रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा flame हम high कर देते हैं अभी, क्योंकि अगर पहले से high होता तो मशरूम जल जाते हैं। अभी उसने moisture निकाला है, rounded flavors लाने के लिए इसको हम पूरा मिला देते हैं। एक बारी बिल्कुल high flame में अभी हम इसमें मिलाएंगे पाक चॉय। तो आप डालेंगे पाक चॉय इसमें? हाँ जरूर लाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये पाक चॉय को हमको ज्यादा गलाना नहीं है, जैसे हम खड़ा साग खड़ा। या पालो को भून भून के उसका बस फलीदा निकाल देते हैं, इसको बस हम हल्का सा टॉस करेंगे। देखियो बहुत ही हेल्दी प्रिपरेशन की तरह ये बन गया आपका, ठीक है। और ये है रेडी, तो ये आपका रेडी है चिली टोफू मशरूम और पाक चॉय।